जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े अधिवक्ताओं ने संगोष्ठी का आयोजन किया है। कार्यक्रम में शहर के जाने माने अधिवक्ताओं ने भाग लिया है। जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने संगोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के द्वारा संसद में बजट पेश किया गया और हर वर्ग के उत्थान के लिए ये बेहतर बजट है। इस बजट से सभी वर्गों की उन्नति होगी। संगोष्ठी में बीजेपी जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, सुरेंद्र सिंह, अजय पारेख समेत कई अधिवक्ता शामिल हुए। जैसे अभी सांसद मोदी ने बताया आत्मनिर्भर भारत का ये बजट, ये आत्मनिर्भर भारत का जो बजट है, ये हमेशा जो बजट आया वो विकासशील भारत के लिए बजट आता था। पहली बार ऐसा बजट आया जो विकसित भारत के लिए बजट है, जिसमें भारत पूर्णतः विकसित। इस बजट की जितने भी एमपी साहब ने बताया, आज जो हमने विधि प्रकोष्ठ की तरफ से जो संवाद का प्रोग्राम रखा, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए सभी एडवोकेट, सभी विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता एक जगह इकट्ठे होके, और सांसद महोदय के मार्फत हम प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो ये विकसित भारत का जो बजट, आत्मनिर्भर भारत का जो बजट दिया, उसमें छोटे तबके से लेकर ऊपर के तबके तक सभी के ऊपर ध्यान इन्होंने केंद्रित किया। नीचे लेवल से लेकर बूथ पन्ना से लेकर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि चारों विधानसभा के चुनाव होंगे, सरकार जब भी इस पर घोषणा होगी, चुनाव आयोग जब भी इसकी घोषणा करेगा, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी।